चलिए आज हम लोग को ख़त्म करना है चैप्टर। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? शायद हम लोग इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो हम लोग देख लिया गया था, ठीक है। और उस पर एक थ्योरम, एक दो थ्योरम बचाया है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस थ्योरम को हम करा देते हैं। आज किसी तरह चैप्टर कंप्लीट करना है और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग जानिए रिंग थ्योरी के तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उधर से दो मैट्रिक्स वाले जिससे 20 नंबर आएंगे, 25 से 27 नंबर तक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस रिंग थ्योरी जो पढ़ाए हैं उससे 10 से 12 14 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के हम लोग देखा जाए तो 30-35 नंबर से ऊपर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ें, और जो जो थ्योरम कराया गया उसी में से सब पूछेगा, और जो एक्स्ट्रा एक आध एग्जाम्पल छूटा है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या है, आप लोग को फॉर्मेट बता दिया गया कि कैसे सारी चीज़ें प्रूव कराएंगे। अभी मान लो कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसको रिंग प्रूव करना है, तो रिंग प्रूव करने के लिए क्या होगा, वही सारे कंडीशन आपको जो पिछले करवाए हैं कि आर प्लस अबेलियन ग्रुप, आर डॉट सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड एट्सेट्रा। आप लोग को अगर जो कॉम्पिटिटिव दिखाना है तो एक कॉम्पिटिटिव वाला प्रॉपर्टी, और यूनिटी वाला है तो यूनिटी वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर जो दे दिया जाएगा रिंग प्रूव करने के लिए, तो सेम फॉर्मेट वैसे ही करना है, तो वो सब तो कर ही लेंगे आप लोग। नेक्स्ट थ्योरम जो है देखिए ना, से थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही आसान है, समझा भी देंगे आप लोग को, और वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, देखिए ध्यान से, द कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो, इज आइदर जीरो, या तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा, आर ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो थ्योरम कह रहा है कि कोई अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो जीरो या तो प्राइम नंबर, यही दो आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में, अब सही। थ्योरम कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो आर ए प्राइम नंबर, प्रूफ। देखिए प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ समझ में आ जाएगा, प्रूफ कराते हैं। तो हम सबसे पहले मान लो एक इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे, कंसीडर एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन, हम मानकर इंटीग्रल डोमेन इज आर प्लस डॉट, हम मानकर चल रहे हैं कि आर प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। देखो पहला क्या, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज जीरो, हम मानकर चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक उस रिंग का क्या है, जीरो है, देन थ्योरम इज ट्रू, बिल्कुल थ्योरम इज ट्रू। दो केसेस होंगे, या तो जीरो या तो प्राइम, तो अगर जीरो होगा तो वैसे ऑलरेडी प्रूव हो गया, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, हेंस देयर इज नथिंग टू प्रूव,
Hence, there is nothing to prove. अगर मान देखो या तो इंटीग्रल डोमेन है उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा या तो प्राइम होगा, तो हम मान लिए जीरो है तो जीरो तो जीरो के लिए प्रूफ। अब दूसरा केस, क्या प्राइम नंबर होगा इसके लिए रही। देखिए दूसरा केस हमको लिखाना है अदरवाइज 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 देखिएगा ध्यान से, अदरवाइज इफ पी प्राइम नंबर, पी कोई नंबर हो अगर जो जीरो ना हो, जीरो से ग्रेटर हो, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक हम मानकर चल रहे हैं कि अब जो नंबर है वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, तो हमको दिखाना है कि ये नंबर क्या है, प्राइम है, ये प्रूव करना है। देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट हमको ये दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है कि पी इज ए प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर। सिंपल सी चीज है, स्टेटमेंट थ्योरम का कह रहा है कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो प्राइम होगा। तो हम मान कर चल रहे हैं कि पहला के क्या कर लिए, मान कर चले इंटीग्रल डोमेन है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, तो थ्योरम ट्रू हो गया। दूसरा केस अगर जो जीरो नहीं है तो कोई जीरो से ग्रेटर होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नेचुरल नंबर में आता है वन टू या तो जीरो, तो हम मान ले रहे हैं कि जीरो नहीं है, जीरो से ग्रेटर ही होगा, चाहे वन टू थ्री होगा। तो उस केस में ये जो हमको नंबर दिखाना है वो क्या दिखाना है, प्राइम। अब हमको ये प्रूव करना है कि पी प्राइम होगा, तो हम मान कर चलेंगे कि लेट पी इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, फिर कंट्राडिक्ट करवा देंगे। तो हम मान कर चलेंगे कि पी प्राइम नहीं है और कंट्राडिक्ट कराएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सपोजिशन है या हमारा अजम्पशन है रॉन्ग है, ठीक है। तो मान कर चले हैं इफ वी कंसिडर सो दैट पी इज ए प्राइम नंबर, देखना वी हैव टू सो दैट पी इज ए प्राइम नंबर, सिंस सिंस पी इज कैरेक्टरिस्टिक, अगर पी कैरेक्टरिस्टिक होगा सो इसका मतलब क्या कि दिया है, अगर जो पी हमको दिखाना एक कैरेक्टरिस्टिक है बट हमको दिखाना प्राइम नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक डिफिनेशन वाला क्या होता है कि रिंग के पी टाइम एलिमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे, पी टाइम ए को ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट कितना टाइम पी टाइम, तो वो क्या देगा, जीरो देगा। ये तो डिफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया फॉर ऑल। अब देखना इफ वी कंसिडर, हम मान कर चल रहे हैं इफ वी कंसिडर P इज नॉट ए प्राइम, हम मान कर चल रहे हैं कि P प्राइम नहीं है, इफ वी कंसिडर P इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंपोजिट होगा, जैसे 2, 3, 5, 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, 4, 6, 8 ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। इफ वी P इज नॉट प्राइम देन इट इज कंपोजिट, हम मान कर चल रहे हैं पी प्राइम नहीं होगा तो पी जो होगा उसको दो प्राइम में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग दो प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, वेयर पी वन जो होगा वो क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा और पी टू भी क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा, क्योंकि पी वन पी टू दोनों प्राइम है और प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, वन से ग्रेटर ही होते हैं, ठीक है। या ऐसे देखा जाए वेयर जो P1 होगा वो 1 से बड़ा होगा और P2 जो होगा, देखो P1 P2 1 से बड़ा होगा और क्या होंगे, P से छोटे होंगे, ये इधर इसका मतलब P1 P2 क्या है, दोनों 1 से छोटे हैं बट सॉरी 1 से बड़े हैं बट P से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर ब्रेक हो रहा है दो पार्ट में, तो जो P1 होगा वो खुद P से छोटा होगा, P2 होगा वो खुद से छोटा होगा पी से, और दोनों क्या होंगे, वन से बड़े, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो मान ले कि इसको दो प्राइम नंबर में ब्रेक कर रहे हैं, अब देखना ध्यान से, इसलिए पी ए, पी ए इक्वल टू क्या था, जीरो था, तो पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी वन पी टू और यहाँ क्या होगा ए,
इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत, फॉर ऑल इसी में रख दिए हैं पी की वैल्यू। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, देखना ध्यान से, ये दिस इम्प्लाई दैट पी वन इनको एसोसिएटिव लगाएंगे तो पी टू ए इक्वल टू जीरो। पी वन प्राइम है तो पी वन वन से ग्रेटर है तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो क्या होगा, पी टू ए इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ए बिलोंग्स टू आर। इतना लिखो फिर बताते हैं। ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि पी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हम मान कर चल रहे हैं कि पी प्राइम नहीं है। और यहाँ से देखो पी टू इक्वल टू पी टू इंटू ए इक्वल टू जीरो, ये क्या बताएगा कि इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा। और पी टू किससे छोटा है, पी, और मान के चल रहे हैं कि पी कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पी कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ क्या पी टू, तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा ना, क्योंकि एक रिंग का दो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो हमारा जो अजम्पशन है कि P इज नॉट ए प्राइम, वो कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए P प्राइम हो जाएगा। तो ऊपर का मिटाते हैं, देखना ध्यान से, ऊपर का मिटाते हैं। This shows that ये क्या बताएगा कि P2 टू कैरेक्टरिस्टिक है ऊपर से ये वाला, अब यहां से इसे नीचे, this shows that P2 is characteristic of R। और हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, सिंस कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक, हम जानते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। सो ये जो हमारा अजम्पशन वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, so our supposition is wrong, our supposition is wrong, hence क्या हुआ, p is a prime number, ठीक है, बस proof p is a prime number, ये हो गया हम लोग का, लिख लो।
नेक्स्ट ये थ्योरम, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम बिठाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो मिटा दे हैं। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम देखो, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, सपोज आर प्लस डॉट, नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर आर प्लस डॉट कोई इंटीग्रल डोमेन है और ए उसका नॉन जीरो एलिमेंट है, बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है इस रिंग आर का, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, हम लोग को ये प्रूव करना है कि कोई दो कोई एक इंटीग्रल डोमेन है और दो नॉन जीरो एलिमेंट का हमेशा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम कहता है द ऑर्डर ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर इक्वल। हमको क्या दिखाना है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट है किसी इंटीग्रल डोमेन का, तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा, इक्वल होगा, प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देखते हैं। तो हम मान कर चलेंगे कि कंसीडर एन इंटीग्रल डोमेन इज आर प्लस डॉट, कंसीडर एन इंटीग्रल डोमेन इज आर प्लस डॉट, हम मान कर चले कि आर प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है, इफ देखिए ध्यान से, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स आर एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ किसका, उस रिंग का। हम मान लिए कि ए और बी दो कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स है उस रिंग का, एंड 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 ऑर्डर ऑफ ए अगर एम है, एंड ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, देन हमको दिखाना क्या है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, हमको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दैट मीन्स यम इक्वल टू एन दिखाना है, ठीक है। हम मान कर चले आर प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है, ए और बी दो उसके नॉन जीरो एलिमेंट हैं, और पहले का ऑर्डर यम हो, दूसरे का ऑर्डर एन हो, तो हमको ये दिखा देना है कि एम इक्वल टू एन, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, छोटा सा है। तो इफ देखना ध्यान से, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, और देखना ध्यान से, वेयर जो ए होगा वो कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, तो अगर ऑर्डर एम है तो उस रिंग का क्या करेंगे कि ये क्या करेगा, देखना ध्यान से कि एम ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट है और ये ग्रुप का या रिंग का, तो ग्रुप आर प्लस ग्रुप भी होगा, तो ए टू दी पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, और रिंग की आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो एलिमेंट,
तो जीरो एलिमेंट और एन ए प्लस के रिस्पेक्ट में देखेंगे ऑर्डर तो क्या होगा एन ए, ठीक है, ये आप लोग ग्रुप में पढ़े होंगे ग्रुप की प्रॉपर्टी, तो एम इंटू ए ये क्या होगा जीरो होगा, और ये क्या बताएगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज क्या बताएगा ये एम, अगर एम ए इक्वल टू जीरो है और ए कोई आर्बिट्रेरी उठाए हैं तो ये क्या बताएगा कि आर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा एम होगा, और जब आर की कैरेक्टरिस्टिक एम होगा देन एम ए और बी लिखेंगे वो भी क्या होगा जीरो, दोनों तरफ बी से जीरो मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत इसमें दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, ठीक है, ये क्या होगा ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए प्लस कितने टाइम एम टाइम्स एम टाइम्स, और ये क्या होगा बी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत किसी को, अब क्या करेंगे ए सम में कॉमन कर दिए, ए कॉमन करेंगे क्या होगा वन प्लस वन कितने टाइम एम टाइम्स, और इधर क्या होगा बी इक्वल टू जीरो, बी को अंदर करो क्या करना है बी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा बी प्लस डॉट, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा टोटल एम टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा ए, और ये क्या होगा एम बी, क्योंकि ए तो जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं होगा मान कर चले थे, ए जीरो नहीं होगा तो क्या जीरो होगा एम बी जीरो होगा, और ये क्या बताएगा ये इम्प्लाई करेगा एम बी जीरो, लिख लो एम बी जीरो दैट मीन्स ये इम्प्लाई करेगा आर्डर जो बी होगा वो क्या होगा एम से छोटा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या पहले अभी यहाँ तक लिखो फिर हम बताते हैं, एम बी लिखा है ना इसका मतलब ये इम्प्लाई, जैसे कोई भी अगर जो रिंग है तो ग्रुप बनाएगा तो एम बी मतलब क्या होगा जीरो, ये मतलब बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा या तो एम होगा या तो एम से छोटा होगा, ठीक है एम से बड़ा नहीं होगा, तो ऑर्डर ऑफ बी इज लेस इक्वल टू एम, बस छोटा सा और थोड़ा सा रह गया है उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, अब यहाँ तक हो गया है ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं, देखो क्या मिला हम लोग को, एक सेकंड, हम लोग को मिला ऑर्डर ऑफ बी लेस इक्वल टू एम, और ऑर्डर बी क्या माने थे एन, तो एन लेस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कहीं दिखा दे एम की वैल्यू क्या होगी लेस इक्वल टू एन, तो हमारा काम बन जाएगा सिमिलरली
सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी अगर एन है और बी कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट एन ऑफ बी इक्वल टू जीरो। फिर क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ए इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। फिर क्या करेंगे इसको, फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे जो पीछे करे हैं, जैसे सेम दैट इज, अगर जो इसको देखो, इसको हम लोग अगर जो ऐसे लिखा जाए, एक सेकंड, हाँ, ए एन बी इक्वल टू जीरो, या फिर उसको लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक। इसको अगर जो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से दैट इज, ये क्या बताएगा, दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, देखना जैसे करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज एन, ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज एन, ये करेक्टरिस्टिक एन बताएगा, और ऑर्डर ऑफ ए, चूंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, लेस है एम, ठीक है, और एन करेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि, देखना ध्यान से, ऑर्डर ऑफ ए लेस है एम से, एन से, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू एन होगा, ये एन होगा। अरे सिंपल, जैसे हम लोग देखो करा ही देते हैं समझाने के लिए, जैसे सेम कुछ नहीं किए गए थे, जैसे सिमिलरली जैसे पीछे हम लोग किए हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे इधर देखो, ए मल्टीप्लाई करेंगे एन बी, ठीक है, तो क्या होगा, ए इंटू जीरो, ए जीरो, कोई दिक्कत, तो ए एन, ए क्या बी टाइम जाएगा, तो ए ए एन प्लस एन, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, बी प्लस बी प्लस बी, कितने टाइम, एन टाइम्स, और ये क्या होगा, जीरो। फिर देखना ध्यान से, ए और इधर क्या कॉमन कर लेंगे, बी कॉमन करेंगे, तो क्या होगा, वन प्लस कितने टाइम, एन टाइम्स, ठीक है, तो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, ए प्लस कितने टाइम, एन टाइम्स, और बी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बताएगा, एन ए बी, क्योंकि बी जीरो नहीं है, तो क्या जीरो होगा, एन ए इक्वल टू जीरो, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, लेस इक्वल टू एन, और ऑर्डर देखो होगा कि नहीं, वही चीज़ हम कह रहे थे, डायरेक्ट लिखवा दिए थे तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर आप ही क्या मान के चले थे, एम लेस देन एन इक्वल सेकंड, और ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, देखो एन पहला कह रहा है कि एन लेस इक्वल टू एम होगा, दूसरा कह रहा है कि एम लेस इक्वल टू होगा, जब दोनों इक्वालिटी ऐसे आए तो उस केस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, एम बराबर एन, प्रूफ हो गया, बस सिंपल सा था, कुछ था नहीं। हैंस ऑर्डर ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर इक्वल, ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, हैंस ऑर्डर ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर इक्वल, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो उनके दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, लिख लो। एन बी मतलब बी को कितने टाइम, एन टाइम ऐड करेंगे, तो बी इधर कॉमन करेंगे तो जो क्या होगा, वन प्लस वन एन टाइम, तो अब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस कितना, एन टाइम, तो क्या होगा, ये एन ए इंटू बी,
और बी जीरो नहीं होगा तो क्या जीरो होगा, एन ए, और एन ए इक्वल टू जीरो दैट मीन्स आर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू एम, और आर्डर ए क्या था एम था, तो एम लेस देन इक्वल टू एम, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एम बराबर एन। ठीक है, मिटाते हैं, नेक्स्ट लिख लो जल्दी जल्दी, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक डिफिनेशन बचा है, उसके बाद चैप्टर खत्म, आज तो चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। मिटाते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड। अब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्योंकि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बता के एक डिफिनेशन लिखवाना है, मॉड्यूलर फील्ड और नॉन मॉड्यूलर फील्ड। मॉड्यूलर फील्ड क्या होता है, नॉन मॉड्यूलर। ठीक है, बस उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा ये काफ़ी, क्योंकि थ्योरम्स हैं, प्रूफ है, थ्योरम्स वाले थोड़ा देखो समझोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, नहीं समझोगे तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, और थ्योरम को आप लोग एग्जाम में जब आएगा तो उसको ऐसे समझ के नहीं लिख सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबू जितना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। एक थ्योरम को दो दो बार तीन तीन बार लिख के प्रैक्टिस करो, समझो स्टेप समझो और फिर उसको लिखो, पूरा स्टेप समझ जाओगे तब भी कहीं भूल जाओगे कि आगे क्या है। इसीलिए जब प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस रखे रहोगे ना, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप माइंड में आता है कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, तो इसीलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डिफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड, सी एच ए आर ए सी टी आर आई एस टी आई सी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड। ठीक है, ये क्या होता है फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक। तो हम पहले एक फील्ड लेके चल रहे हैं, इफ एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड, अगर जो ये हमारे एक फील्ड है एफ प्लस डॉट, देखना ध्यान से, सेम देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स नेचुरल नंबर, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड कब कहलाएगा, इफ इफ एन ए दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम एन टाइम्स ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो आए। ठीक है, एन ए दैट मीन्स ए को एन टाइम्स ऐड करें तो क्या आए, जीरो आए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, देन द कैरेक्टरिस्टिक, तो इस केस में इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर जीरो, या तो जीरो होगा और एन ग्रेटर देन जीरो, या तो जीरो से बड़ा होगा, अकॉर्डिंग एज ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड होगी। ठीक है, इज आइदर जीरो और एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो कोई भी अगर फील्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा,
उस फील्ड के सारे एलिमेंट्स को ऐड किया जाए, एन टाइम ऐड करने पे जीरो आता है, तो उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। या हम लोग जानते हैं कोई फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ा होगी, कब, उसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या हैं, जीरो हैं, तो उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर जो नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, जीरो से ग्रेटर है, 1, 2, 3 है, तो उस फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3 या 3, 2 जो भी। लेकिन हम बताएं, जैसे अभी पढ़े हैं इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्राइम नंबर होती है या जीरो, सेम वे कोई फील्ड है तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक या तो प्राइम नंबर होगी या तो जीरो ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन, मॉडुलर फील्ड। मॉडुलर फील्ड ये क्या होता है, देखना ध्यान से। देखो, कोई भी फील्ड है, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर में आता है, जैसे 1, 2, 3, मतलब अगर जो देखा जाए पॉजिटिव नॉन जीरो आता है, तो उस केस में जो फील्ड होगा वो मॉडुलर फील्ड हो जाएगा। और कोई फील्ड ऐसा है जिसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो आए, तो वो कैसा होता है, नॉन मॉडुलर फील्ड, ठीक है। तो ए फील्ड, लिख दे रहे हैं, ए फील्ड हूज कैरेक्टरिस्टिक, ए फील्ड हूज कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन जीरो इज कॉल्ड मॉडुलर फील्ड। ये कैसे होंगे, मॉडुलर फील्ड कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये Z5 + modulo 5 और .modulo 5 ये फील्ड बनाएगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, CH कैरेक्टरिस्टिक आप Z5, ये होता है 5, नॉन जीरो आया ना, तो यहाँ से Z5 + 5 .5 ये कैसा फील्ड कहलाएगा, मॉडुलर फील्ड, ठीक है, मॉडुलर फील्ड लिख लो। कल नेक्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर लेट हो गया, कल से हम लोग सब नहीं मॉडल होम मार्क भी चल पाएंगे, चैप्टर सेकंड, इधर से एक चैप्टर कंप्लीट आज, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।
इसको इस चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट परफेक्ट कराया जाएगा। तो सभी लोग जो पढ़ाया गया थ्योरम सब तैयार कर लो, और वैसे भी एग्जाम जल्दी होगा, मार्च में होने की संभावना होगा ही मार्च में, तो आप लोग अभी से थ्योरम्स बहुत जल्दी भूलते हैं और इन्हें सब भूल जाता है थ्योरम, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए डेली डेली, पढ़ते रहिए, ठीक है, तभी ये टच में रहेगा और सही रहेगा।